हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द करंट अफेयर्स ऑफ 13th ऑफ मार्च 2019। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, आप लोग इनका आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द बल्कन प्लान फॉर फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ विंस्टन चर्चिल, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर वीपी मेनन। दूसरा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन फ्रूट प्रोडक्शन, सेकेंड स्टेटमेंट इज इंडिया रैंक्स सेकेंड इन द वर्ल्ड इन एक्सपोर्ट ऑफ टोबैको, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज अब्लिक आर करेक्ट, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। तो ये आप आंसर करिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द पब्लिकेशन कॉल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस है सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर प्लानिंग कमीशन, या फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या फिर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इन तीन क्वेश्चंस को आप लोग आंसर करिएगा। डिस्कशन शुरू करते हैं। जो आज की सबसे पहली और बड़ी न्यूज थी वो थी नो नेम्स रिमूव्ड बेस्ड ऑन ड्राफ्ट एनआरसी इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कि उन्होंने कोई भी नाम जो है इलेक्टोरल लिस्ट से एनआरसी ड्राफ्ट एनआरसी के बेसिस पे नहीं निकाला है। ठीक है, तो आप हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि एनआरसी क्या है, एनआरसी के बारे में देख लेते हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, तो द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इज द लिस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन्स ऑफ असम, और ये पहली बार कब बना था, इट वॉज प्रिपेयर्ड इन 1951 फॉलोइंग द सेंसस ऑफ 1951। ठीक है, एंड अभी क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ऑर्डर पास किया था फॉर रिमूविंग द इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश हु हैव बीन रेसाइडिंग इन असम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, टू रिमूव देम सुप्रीम कोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर इन 2013 फॉर प्रिपेयरिंग नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो आपका नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में होगा या नहीं, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है एग्जिस्टेंस ऑफ नेम इन द लेगेसी डाटा। तो ये लेगेसी डाटा क्या होता है, लेगेसी डाटा इज द कलेक्टिव लिस्ट ऑफ एनआरसी डाटा ऑफ 1951 एंड द इलेक्टोरल रोल्स अप टू मिडनाइट ऑफ 24th मार्च 1971। तो लेगेसी डाटा में आपका नाम होने के लिए जरूरी है कि या कि आपका नाम एनआरसी डाटा ऑफ 1951 में रहा हो, या फिर इलेक्टोरल रोल्स अप टू मिडनाइट ऑफ 24th मार्च 1971। एंड सेकेंड कंडीशन इज प्रूविंग लिंकेज विद द पर्सन हुज नेम अपीयर्स इन द लेगेसी डाटा। तो अगर आपके मम्मी पापा दादा दादी या किसी का नाम लेगेसी डाटा में है तो फिर आपको भी एनआरसी लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए हैं जो असम के रेसिडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड इसके लिए जो एक्ट है, किस एक्ट के अंतर्गत ये किया जा रहा है, तो इट इज बीइंग कैरिड आउट अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स फ्रेम्ड इन द असम अकॉर्ड। तो ये ध्यान रखिएगा एनआरसी के बारे में। तो यहाँ पे हमने देखा कि एनआरसी के लिए क्या क्राइटेरिया है, एग्जिस्टेंस ऑफ लेगेसी डाटा, या फिर आप प्रूविंग लिंकेज विद द पर्सन हुज नेम अपीयर्स इन द लेगेसी डाटा। एंड न्यूज वॉज डैट कि इलेक्शन कमीशन हैज टोल्ड सुप्रीम कोर्ट डैट दे हैव नॉट रिमूव द नेम ऑफ एनी वन ऑन द बेसिस ऑफ ड्राफ्ट एनआरसी। ठीक है, तो ये न्यूज थी इससे रिलेटेड। एक जो छोटी सी न्यूज है, जो आप विल विन ऑल 7 दिल्ली सीट्स विदाउट कांग्रेस। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि दिल्ली के पास कितनी लोकसभा सीट्स हैं। सो दिल्ली हैज गॉट 7 लोकसभा, ध्यान रखिएगा, दिल्ली हैज गॉट 7 लोकसभा सीट्स एंड इट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स अमंग ऑल द यूनियन टेरिटरीज। तो दिल्ली के पास कितनी सीट्स हैं, 7 लोकसभा सीट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कांग्रेस टर्म्स ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज डीजीसीए बार्स बोइंग 737 मैक्स 8 एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो यहां पे न्यूज ये थी कि After the crash of an Ethiopian Airlines plane, many countries, including India, has barred Boeing 737 MAX 8 aircraft from flying. तो जो Boeing का 737 MAX 8 aircraft है उसको DGCA ने, Directorate General of Civil Aviation ने मना कर दिया है उड़ान भरने से। ठीक है, they will be grounded till further notice. तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के बारे में। ये रेगुलेटरी बॉडी है, किस चीज़ की रेगुलेटरी बॉडी है, इट इज़ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया एंड फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, तो जब भी आप लोग किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के बारे में पढ़ें तो उसकी मिनिस्ट्री जरूर देख लें। तो यहाँ पे DGCA की मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसका फंक्शन क्या है, द DGCA इन्वेस्टिगेट्स एविएशन एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स। तो अगर एविएशन सेक्टर से रिलेटेड कोई भी एक्सीडेंट होता है या कोई भी घटना होती है तो उन सब की जांच कौन करेगा, DGCA करेगा, यही इसका फंक्शन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने एसेंशियली डीजीसीए के बारे में देखा, डीजीसीए की मिनिस्ट्री ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इट फंग, तो ये ध्यान रखिएगा रेगुलेटरी बॉडी है सिविल एविएशन की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज़ हैं तो वो ज़्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे गिग इकोनॉमी एक टर्म दे रखा है, इसको देख लेते हैं कि गिग इकोनॉमी होता क्या है, ठीक है। गिग इकोनॉमी रेफर्स टू अ लेबर मार्केट कैरेक्टराइज बाय द प्रेवलेंस ऑफ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्रीलांस वर्क एज अपोज टू परमानेंट जॉब्स। तो ऐसा कोई भी लेबर मार्केट जहां पे परमानेंट जॉब्स की जगह जगह पे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट या फ्रीलांस वर्कर ज्यादा वर्क करते हैं, उसको गिग इकोनॉमी बोला जाता है, ठीक है। एंड ये ध्यान रखिएगा, गिग इकोनॉमी इज एट अ नेसेंट स्टेज, या फिर बहुत अभी मतलब एकदम शुरू हो रही है इंडिया के अंदर। तो इसके जो चैलेंजेस हैं वो देख ले लो कि इसमें क्या रिस्क एसोसिएटेड है। सबसे पहली चीज है लैक ऑफ रेगुलेशन, तो कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो गिग इकोनॉमी को रेगुलेट कर सके। जैसे कि अगर आपको इकोनॉमिकल, अगर आप किसी भी मार्केट में काम कर रहे हैं या लेबर मार्केट में हैं, तो अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप किसी रेगुलेटर के पास जा सकते हैं। जैसे आप बैंकिंग सेक्टर में, तो आप आरबीआई के पास जा सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके पास आप जा सकते हैं। लेकिन गिग इकोनॉमी के केस में अभी क्या है कि कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। दूसरा जो रिस्क है, रिस्क ऑफ नॉट गेटिंग पेड फॉर द वर्क डन, ठीक है। तो आप किसी के लिए काम करिए फ्रीलांस, आप इंटरनेट बेस्ड आपने किसी के लिए काम किया, फिर वो आपको मना कर दे पैसा देने से, तो आप किसी के पास जा नहीं सकते, फिर वो पूरी की पूरी कंपनी ही फ्रॉड निकल जाती है, तो इसका रिस्क है। तीसरा है कि कंपनीज आर हेजिटेंट टू हायर द गिग वर्कर एज दे आर नॉट एश्योर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ रिसोर्स। तो कंपनीज के साथ भी ये दिक्कत है कि अगर उन्हें कोई फ्रीलांस वर्कर चाहिए तो कोई ऐसा पोर्टल या कोई ऐसा मीडियम नहीं है जहां से कि वो वर्कर्स को सीधे डायरेक्टली पिक कर सकें, उनको भी मतलब ये हिट एंड रन वाली अप्रोच अपनानी पड़ती है। तो ये प्रॉब्लम है गिग इकोनॉमी के साथ। तो हमने यहां पे देखा गिग इकोनॉमी क्या है, ऐसी कोई भी लेबर मार्केट जहां पे परमानेंट जॉब की जगह फ्रीलांस या कॉन्ट्रैक्ट वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसको गिग इकोनॉमी बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है प्रीलिम्स में आप लोगों से पूछ लिया जाए द टर्म गिग इकोनॉमी रेफर्स टू, तो आप लोगों को पता है कि गिग इकोनॉमी रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट और फ्रीलांस वर्कर्स आर प्रेफर्ड ओवर परमानेंट वर्कर्स, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे इस पेज पे, और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 3 पे आ जाइए आप लोग, यहां पर भी सारी की सारी पॉलिटिकल न्यूज है, इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, एससी रिजेक्ट्स माइनर्स प्ली ऑन कोल ट्रांसपोर्टेशन। तो ये न्यूज क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड प्लीज बाय माइनर्स इन मेघालय टू लेट ट्रक्स मूव कोल इन ट्रांजिट बिफोर अ ट्रांसपोर्टेशन बैन केम इन टू इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली माइनर्स जो है मेघालय में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि जो उनके पास कोयला रखा हुआ है पहले से निकाला हुआ, उसको कम से कम उन लोगों को ट्रांसपोर्ट करने दिया जाए। एक्चुअली मेघालय हैज बैन द ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल फ्रॉम 31st of January, तो अब इसके ये माइनर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यूज एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यहाँ पे जो एक ऑर्गेनाइजेशन मेंशनड है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एनजीटी। तो हम लोग यहाँ पे एनजीटी के बारे में देख लेते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या है। तो सबसे पहला कि ये किस एक्ट के अंदर बना था, तो ध्यान रखिए ट्राइब्यूनल वॉज फॉर्म्ड अंडर द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 2010, ठीक है। तो एनजीटी एक्ट 2010 के अंदर एनजीटी बना था, एंड इसके लिए कौन सा आर्टिकल जिम्मेदार था कॉन्स्टिट्यूशन का, सो इट वॉज फॉर्म्ड अंडर टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 21 विच एश्योर्स द सिटीजन ऑफ इंडिया द राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21 इज एसोसिएटेड विद नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद इसका पर्पज क्या है, इट हैज बीन क्रिएटेड फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द केसेस रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो अगर एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी केस आता है, उसके इफेक्टिव और जल्दी से जल्दी उसे कैसे डिस्पोज किया जा सके, उसके लिए एनजीटी बनाई गई थी। एंड एनजीटी इज मैंडेटेड टू डिस्पोज ऑफ द केसेस विद इन 6 months ऑफ फाइलिंग। तो कितने टाइम में एनजीटी कोई भी केस का डिस्पोजल करेगी, तो ध्यान रखिएगा विद इन 6 months ऑफ द फाइलिंग ऑफ द केस। इसका चेयरमैन कौन हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा, चेयरमैन ऑफ द ट्रिब्यूनल मस्ट बी अ सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो क्या ध्यान रखना है कि चेयरमैन कौन हो सकता है एनजीटी का, रिटायर्ड और सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एनजीटी के बारे में एक और चीज ध्यान रखिएगा कि इट इज नॉट बाउंड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ठीक है, रैदर इट इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि एनजीटी इज नॉट बाउंड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। इसकी प्रिंसिपल बेंच कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा जो इसकी रीजनल बेंचेस हैं वो हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड
चेन्नई, तो ये ध्यान रखिएगा ठीक है, कि इसकी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में है एंड जो रीजनल बेंचेस हैं वो भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई चेन्नई। अभी इसके प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है? प्रेजेंट चेयरपर्सन इज जस्टिस रिटायर्ड आदर्श कुमार गोयल, ठीक है। तो ही वॉज द सुप्रीम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ही इज करेंटली चेयरमैन ऑफ एनजीटी। तो एनजीटी के बारे में ये ध्यान रखिएगा कि एनजीटी एक्ट 2010 के अंदर बना था, इसका चेयरमैन सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये ध्यान रखिएगा। अभी प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? जस्टिस ए के गोयल। इट इज नॉट बाउंड बाई कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, रैदर इट इज गाइडेड बाई प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो यहाँ पे हो गया एनजीटी के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये जो न्यूज़ है सारी की सारी यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसको अपन लोग स्किप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है सच। आगे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे एक फेस्टिवल मेंशन्ड है, ठकुरानी जात्रा फेस्टिवल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा ठकुरानी जात्रा फेस्टिवल कहाँ का है? उड़ीसा का है, एंड उड़ीसा के किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? बेरहमपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बेरहमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा इज फेमस फॉर ठकुरानी जात्रा फेस्टिवल। यूपीएससी के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान रखने की जरूरत है, ठकुरानी जात्रा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? इट इज एसोसिएटेड विद उड़ीसा, एंड उड़ीसा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट? उड़ीसा का बेरहमपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे ठकुरानी जात्रा फेस्टिवल के बारे में। आगे बढ़ते हैं, स्पेस में भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी एज सच। ये एक न्यूज है, 10% कोटा है स्टेप टूवर्ड्स कास्टलेस सोसाइटी। तो कल हम लोगों ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या फिर 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। तो जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है दैट प्रोवाइड्स 10% रिजर्वेशन टू द अनरिजर्व कैटेगरीज स्टूडेंट्स और दोज हु आर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो उनके लिए है, लेकिन सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको बोला है कि इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स कास्टलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी, ठीक है। उसको जस्टिफाई करने के लिए, कि उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया है। एंड सेंटर हैज ऑल्सो रेफर्ड टू द कोर्ट्स पास डिसीजन दैट कॉल्ड फॉर द अटेनमेंट ऑफ इक्वलिटी एज द फाइनल एंड ओनली सोल्यूशन टू द बी सेटिंग प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। तो सर ने यह भी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपने कई सारे डिसीजन में कहा है कि टिल द टाइम वी डोंट हैव इकोनॉमिक इक्वालिटी, जब तक सब लोगों के बीच में इकोनॉमिक इक्वालिटी या आर्थिक समानता नहीं आएगी तब तक इस देश की समस्याएं हल नहीं हो सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है एक यहाँ पे एक रिपोर्ट भी हाईलाइट की है सेंटर ने, डेट इज अ रिपोर्ट रिपोर्ट ऑफ कमीशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जहाँ पे ये पाया था उस रिपोर्ट ने कि 18.2% ऑफ द जनरल कैटेगरी कम अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है कि मेनी ऑफ द जनरल कैटेगरी पीपल आर ऑल्सो बिलो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, सो दे मस्ट बी गिवन रिजर्वेशन, ठीक है। इसके अलावा सेंटर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी का भी कोट किया है कि दे हैव ऑल्सो सेड दैट द इकोनॉमी ऑफ अ फैमिली एंड नॉट इट्स कास्ट शुड बी द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स आप लोग अगर कहीं पे भी आपको यूपीएससी पूछ लेता है मेंस में, खासकर कि 10% रिजर्वेशन जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो जस्टिफाइड है या नहीं, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है कि इट वुड हेल्प इन क्रिएटिंग अ क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी। दूसरा पॉइंट आप यूज कर सकते हैं कि टिल वी अटेन इकोनॉमिक इक्वालिटी वी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दिस कंट्री। तीसरा पॉइंट आप यूज कर सकते हैं कि 18.2% ऑफ द जनरल कैटेगरी कम अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन। जो चौथा पॉइंट आप यूज कर सकते हैं वो ये है कि इकोनॉमी ऑफ अ फैमिली एंड नॉट इट्स कास्ट शुड बी द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इससे रिलेटेड, 10% कोटा स्टेप टुवर्ड्स कास्टलेस सोसाइटी। तो ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के फेवर में आप लोग आर्गुमेंट्स यहां से यूज कर सकते हैं या पिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो यहां पे इस पेज में एक और न्यूज इंपॉर्टेंट है, इंडिया टेस्ट फायर्स गाइडेड रॉकेट सिस्टम पिनाका, ठीक है। तो पिनाका के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है। सो पिनाका इज अ मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड डेवलप्ड बाय डीआरडीओ फॉर द इंडियन आर्मी, ठीक है। तो पिनाका क्या है? मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। इसको किसने डेवलप किया है? इट इज डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डीआरडीओ। किसके लिए डेवलप किया है? इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किया है। तो ये रखिएगा कि पिनाका इज अ मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एंड डेवलप्ड फॉर
इंडियन आर्मी, तो ये ध्यान रखिएगा। इसकी जो रेंज है वो है 40 किलोमीटर फॉर मार्क वन एंड 75 किलोमीटर फॉर मार्क टू। तो रेंज भी ध्यान रखिएगा, 40 किलोमीटर फॉर मार्क वन, 75 किलोमीटर फॉर मार्क टू, एंड इट कैन फायर 12 एचई रॉकेट्स इन 44 सेकेंड्स। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इट कैन फायर 12 एचई रॉकेट्स इन 44 सेकेंड्स। पिनाका का जो पहली बार यूज किया गया था वो कारगिल वॉर के दौरान यूज किया गया था, व्हेन इट वाज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एनिमी पोजीशंस ऑन द माउंटेन टॉप्स। ठीक है, तो कारगिल के टाइम पे पिनाका का पहली बार यूज किया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमने देखा कि पिनाका वाज अ मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, किसके ने डेवलप किया, डीआरडीओ ने डेवलप किया, किसके लिए डेवलप किया, इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किया, रेंज कितनी है 40 किलोमीटर फॉर मार्क वन, 75 किलोमीटर फॉर मार्क टू, इसके अलावा इट कैन फायर 12 एचई रॉकेट्स इन 44 सेकेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। इसका पहली बार यूज कब हुआ था, वो कारगिल वॉर के टाइम पे यूज हुआ था। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले पेज पे आ जाते हैं, एडिटोरियल वाले पेज पे। तो जो सबसे पहला एडिटोरियल था, इट वाज ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ फोर स्टेट्स वेयर साइमल्टेनियस इलेक्शंस आर बीइंग हेल्ड। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस कहाँ कहाँ पे, मतलब फोर स्टेट्स जहाँ पे हेल्ड हो रहे हैं वो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या कौन कौन सी रीजनल पार्टीज हैं जो लड़ रही है और उनके क्या क्या इश्यूज हैं, वो सब सारा कुछ एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है। दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट। जो लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या वो कोई वन डे टाइप एग्जाम देते हैं, उनके लिए जो यहाँ पे एक न्यूज इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि पवन कुमार चामलिंग, हु इज द करेंट सीएम ऑफ सिक्किम, इज द लार्जेस्ट सर्विंग सीएम, लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ इंडिया कौन है, वो है पवन कुमार चामलिंग, एंड ही हैज बीन इन पावर सिंस 1994। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, जो भी वन डे टाइप एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए है ये, यूपीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो आ जाते हैं लीड आर्टिकल की तरफ, तो इसका टाइटल था इन द परस्यूट ऑफ फोर फ्रीडम्स। ठीक है, तो इस आर्टिकल में ऑथर ने तीन चीजें एसेंशियली डिस्कस की हैं। सबसे पहली चीज उन्होंने डिस्कस की है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट पावर, कि स्टेट पावर क्यों इंपॉर्टेंट है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा। दूसरा उन्होंने डिस्कस किया है परफॉर्मेंस ऑफ अवर रिप्रेजेंटेटिव्स बिटवीन 2014 टू 2019, हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट या फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने कैसा परफॉर्म किया या नहीं किया, उसको लेकर उन्होंने डिस्कस किया है। तीसरी चीज उन्होंने फोर फ्रीडम्स दैट वी मस्ट डिमांड इन द अपकमिंग इलेक्शन, कौन सी चार फ्रीडम्स होनी चाहिए जो हमें डिमांड करनी चाहिए इन 2019 जनरल इलेक्शंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि स्टेट पावर की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ऑथर सेज दैट पावर सैचुरेट्स एवरी सोशल इंटरेक्शन बट स्टेट पावर इज यूनिक, तो बिकॉज इट कंसोलिडेट्स ऑल द पावर। तो स्टेट पावर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट कंसोलिडेट्स ऑल अदर पावर्स। हर एक सोशल इंटरेक्शन में पावर होती है, आप किसी भी रिश्ते को ले लीजिए, किसी भी बात को ले लीजिए, कोई भी अपना इंटरेक्शन देख लीजिए, उसमें पावर होती है। लेकिन स्टेट पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज इट कंसोलिडेट्स ऑल द पावर, इट इज द सम ऑफ ऑल द पावर्स, एंड स्टेट पावर डिसाइड्स वेदर वी लिव अवर लाइफ गुड बैड और अगली। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इट इज द स्टेट पावर जो हमारी लिविंग कंडीशंस को डिटरमाइन करती है, ये डिटरमाइन करती है कि What sort of opportunities are offered by the society and economy? हमारा समाज कैसा होगा, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, how will our economy function, whether we will able to live peacefully or not, it is decided by the state power. Hence, state power becomes very important. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा अगर UPSC में कभी भी आ जाए कि मान लीजिए कि स्टेट का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं कि स्टेट पावर कंसोलिडेट्स ऑल पावर, इट डिसाइड्स वेदर वी लिव अवर लाइफ गुड बैड और अगली, एट द सेम टाइम इट डिसाइड्स द अपॉर्चुनिटीज दैट विल बी ऑफर्ड टू अस इन सोसाइटी एंड इकोनॉमी। ठीक है, अब इन्होंने जो दूसरा पॉइंट डिस्कस किया है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ अवर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो इनका मानना है कि अवर रिप्रेजेंटेटिव्स हैव कंप्लीटली फेल्ड अस बिकॉज दे हैव फेल्ड टू एड्रेस द ग्रिम क्राइसिस इन द एग्रेरियन सेक्टर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के क्राइसिस को नहीं डील कर पाए जिसके कारण से फार्मर्स बहुत ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा जो उन्होंने हमको फेल किया है रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमारे, वो है कि उन्होंने जॉब्स नहीं क्रिएट किए हैं जिसके कारण से हमारे बहुत सारे जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड हैं या फिर अंडर पेड हैं। ठीक है, तो ये एक चीज है जो उन्होंने किया है। इसके अलावा हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने जॉब क्रिएट करने की जगह हमको रिजर्वेशन का जो झुंझुना है वो पकड़ा दिया है कि आप 10% रिजर्वेशन ले लीजिए, जब जॉब्स नहीं होंगे तो रिजर्वेशन का क्या फायदा होगा। ठीक है, तो ये ऑथर ने बोला है। इसके अलावा हमारे गवर्नमेंट ने सबसे बुरा काम यह किया है कि इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग दैट देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट दे हैव रिफ्यूज टू रिलीज द अनएम्प्लॉयमेंट डाटा एंड एज वेल एज दे हैव इवन रिफ्यूज टू काउंट द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल। ठीक है, तो ये एक चीज खराब की है।
इसके बाद जो चार फ्रीडम्स हैं जो ऑथर ने एम्फेसाइज की हैं, तो सबसे पहली फ्रीडम है जो हमें मांगनी चाहिए, डेट इज फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो फियर से मतलब डर से आज़ादी चाहिए। एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ फियर वी आर नाउ लिविंग इन, दैट वी आर बीइंग कॉन्स्टेंटली वॉच्ड एंड वी विल बी पनिश्ड फॉर व्हाट वी हैव सेड और वी हैव ईटन। तो उससे एक आज़ादी होनी चाहिए, वी शुड नॉट लिव अंडर द कॉन्स्टेंट फियर, ठीक है। तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि फ्रीडम फ्रॉम वांट वांट मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी अभी भी है इस देश में। अवर फार्मर्स आर लिविंग इन प्रिकॉरियस कंडीशंस, अवर वर्किंग क्लास इज लिविंग इन मिजरी, एंड अवर चिल्ड्रन आर बीइंग ऑफर्ड लो पेड एंड इनसिक्योर जॉब्स। तो इससे भी आज़ादी मिलनी चाहिए, ठीक है, कि हमारे ऐसा ना हो कि बहुत सारे ज़्यादा लोग गरीब हों, और या कि फिर हमारे वर्किंग क्लास में जो लोग काम कर रहे हैं उनको पेमेंट ही नहीं मिल रही है, ये इसके भी आज़ादी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, जो तीसरी आज़ादी उन्होंने बोली है, डेट इज़ फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो जो माइनॉरिटीज़ या फिर दलित के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उससे फ्रीडम मिलनी चाहिए। एंड चौथा जो फ्रीडम बोली है ऑथर ने, वो है फ्रीडम फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस फॉर वुमेन, फॉर ट्रांसजेंडर्स एंड फॉर चिल्ड्रन। इंडिया मस्ट नेवर विटनेस अनदर कठुआ, ठीक है। तो जो कठुआ में एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप हुआ था, वैसा फिर से नहीं होना चाहिए। इन सारी फ्रीडम्स की हमें डिमांड इस जनरल इलेक्शन में करनी चाहिए, ऐसा ऑथर का मानना है, ठीक है। तो चार फ्रीडम्स कौन कौन सी थी, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम वॉन्ट, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इस आर्टिकल में। जो दूसरा आर्टिकल है वो है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट से रिलेटेड, ठीक है। एंड इसका बैकग्राउंड क्या था, द गवर्नमेंट हैज थ्रेटेंड द हिंदू विथ डैट दे वुड बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ठीक है। हिंदू ने किया क्या था, हिंदू हैज़ पब्लिश्ड वेरियस डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू रफाइल डील, सो अटॉर्नी जनरल हैज सेड दैट दोज हु हैव पब्लिश्ड द सच डॉक्यूमेंट्स वुड बी प्रोसिक्यूटेड अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑथर है उनका मानना है कि सीक्रेट्स एक्ट शुड बी स्क्रैप्ड और रिपील्ड एंड इट शुड बी बरीड डीप इन द अर्थ सो डेट इट नेवर कम्स बैक। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को खत्म कर देना चाहिए और उसमें जाकर के जमीन में गाड़ आना चाहिए ताकि वो वापस नहीं आ सके। और ऐसा क्यों, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो लोगों के पास जानकारी है, उसी से डेमोक्रेसी चलती है, ऐसा ऑथर का मानना है, ठीक है। तो जब जानकारी नहीं होगी, अगर प्रेस ही फ्री नहीं होगा, तो फिर सारा का सारी की सारी हमारे पास जानकारियां नहीं होंगी, इसके कारण अवर डेमोक्रेसी विल वुड बी अंडर थ्रेट, ठीक है। तो इसको लेकर के उन्होंने बोला है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट शुड बी स्क्रैप्ड एंड रिपील्ड। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि एक गोस्वामी कमीशन बनाया गया था बाई जनता गवर्नमेंट, तो उसने भी सरकार को रिकमेंड किया था कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को रिपील कर दिया जाए, लेकिन गोस्वामी कमीशन की रिकमेंडेशंस नहीं मानी गई, क्योंकि फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट फॉर्म्ड अनदर कमीशन फॉर लुकिंग इनटू इट, ठीक है। तो वो बात है, बट यहाँ पे जो ऑथर ने एसेंशियली बोला है वो ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को रिपील कर लेना चाहिए, एंड ही हैज कॉन्ग्रेचुलेटेड द हिंदू फॉर पब्लिशिंग सच ब्रेव डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। इसके बाद जो हमारा दूसरा एडिटोरियल है वो है सीरिया के ऊपर, सेकेंड एडिटोरियल वॉज ऑन द डिफीट ऑफ इस्लामिक स्टेट इन सीरिया, ठीक है। एंड एडिटोरियल हाईलाइट्स दैट इस्लामिक स्टेट दैट वंस कंट्रोल द टेरिटरी मोर देन साइज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज नाउ फाइटिंग फॉर हाफ स्क्वायर किलोमीटर इन ईस्टर्न सीरिया, ठीक है। तो अब जो है इस्लामिक स्टेट पूरी तरह से डिफीट कर दिया गया है सीरिया में, एंड अब उसका साइज जो है वो मुश्किल से आधा स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, वो जितने भी उसके जिहादी थे वो सब अब वहाँ उतने में बचे हैं, ठीक है। तो एडिटोरियल हाईलाइट्स दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ टेरिटोरियल कैलिफेट डज नॉट मीन एंड ऑफ इस्लामिक स्टेट एज इट हैज क्रिएटेड सेल्स इन सीरिया एंड इराक विच हैव कंटिन्यूड टू कैरी आउट अटैक्स इवन व्हेन टेरिटरीज वर श्रिंकिंग, ठीक है। तो एक तरह से ये है कि आपने उसकी टेरिटरी तो कम कर दी है, लेकिन जो इस्लामिक स्टेट का ऑनलाइन प्रेजेंस है या फिर उसने जो छोटे छोटे सेल्स बना रखे हैं अपने, उनको भी हमको खत्म करना पड़ेगा। एंड वी ऑल दोज स्टेक होल्डर्स लाइक US, कर्ड्स और सीरियन गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स should take notice of this and they should find a political solution to the Syrian crisis. ऐसा ना हो कि आप एक बार उसकी टेरिटरी को तो खत्म कर देंगे पर उसका जो री एमरजेंस है वो फिर से नहीं हो, इसके लिए हमको उसका पोलिटिकल सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, ऐसा एडिटोरियल में लिखा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे।
तो यहाँ पे जो है वेडनेसडे इंटरव्यू था गौतम बम्बा वाले का, ही वॉज फॉर्मर एम्बेसडर टू पाकिस्तान एंड चाइना। जो उनके पूरे इंटरव्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एक निकल करके आती है वो ये है कि इंडिया शुड कीप फोकस ऑन फाइटिंग टेरर फ्रॉम पाकिस्तान वाइल कीपिंग कम्युनिकेशन विद चाइना ओपन। तो हमें पाकिस्तान से तो टेररिज्म को लेकर लड़ना चाहिए लेकिन चाइना के साथ अपने कम्युनिकेशन ओपन रखना चाहिए। एंड चाइना के साथ डील करने के लिए उन्होंने एक और चीज़ बोली है कि वी शुड बी ट्रांजैक्शनल, कि मतलब हम चाइना को क्या दे सकते हैं कि चाइना हमारी बात मान जाए, उस अप्रोच के साथ हमें जाना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि चाइना मसूद अजहर को यूएनएससी में लिस्ट कर दे तो हमें बताना पड़ेगा कि हम चाइना को क्या प्रॉफिट दे सकते हैं, ठीक है। तो वाइल डीलिंग विद चाइना ही है सजेस्टेड दैट वी शुड बी ट्रांजेक्शनल इन नेचर, ठीक। तो आज फिर चाइना मान जाएगा, ठीक है। तो ये उनका इंटरव्यू था। इसके अलावा यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी। यहाँ पे जो पेज नंबर 10 पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है डी डे फॉर अजहर्स यूएनएससी लिस्टिंग। यहाँ पे एक कमिटी का नाम लिया गया है 1267 अलकायदा कमिटी। उस कमिटी के बारे में देख लेते हैं कि वो कमिटी क्या है। इसको हमने कल भी डिस्कस किया था लेकिन हो सकता है जो लोग आज नए आए हों उनके लिए बता देता हूँ कि यूएनएससी 1267 कमिटी क्या है। तो ये बनी थी 1999 में। इसका दूसरा नाम है अलकायदा एंड तालिबान सैंक्शंस कमिटी, ठीक है। तो ये क्या नाम है 1267 कमिटी का, अलकायदा एंड तालिबान सैंक्शंस कमिटी। एक क्यों बनाई गई थी, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पज ऑफ ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सैंक्शन मेजर्स इम्पोज ऑन तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान फॉर इट सपोर्ट ऑफ ओसामा बिन लादेन। तो जब तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान था तो जो भी मतलब उसके मूवमेंट और वहां पे जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ना हो सके उसके ऊपर नजर रखने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। लेटर ऑन इट्स स्कोप वॉज एंड ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशंस जिनको भी आप बैन करना चाहते हैं उनको भी अब 1267 कमेटी में लिस्ट किया जाने लगा, ठीक है। कमेटी के मेंबर्स कौन कौन है, कमेटी कंप्राइजेस ऑल 15 मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी। ध्यान रखिएगा जो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं ऑल 15 मेंबर्स आर द पार्ट ऑफ 1267 कमिटी। एंड यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, इसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो कंसेंसस बेस्ड पे होती है। यही कारण है कि अगर एक भी कंट्री अगर आपके रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट कर दे तो फिर वो 1267 कमिटी में रेजोल्यूशन नहीं पास हो पाता है, ठीक है। और यही कारण है कि मसूद अजहर का जो केस है वो चाइना के कारण लटका हुआ है, बिकॉज चाइना इज कॉन्स्टेंटली ब्लॉकिंग इन टू सपोर्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो इसकी डिसीजन मेकिंग है वो कंसेंसस बेस्ड पे होती है। एंड इंडिया इज सेइंग दैट वी नीड टू रिफॉर्म दिस कमिटी, ठीक है। जो वोटिंग होनी चाहिए वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए सो दैट एवरीवन शुड नो विच कंट्री इज सपोर्टिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो ये था 1267 कमिटी के बारे में कि इसका और नाम है अलकायदा एंड तालिबान सैंक्शंस कमिटी। इसके मेंबर्स कौन है, ऑल द 15 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कंसेंसस बेस्ड होती है एंड अगर एक भी मेंबर उसके खिलाफ वोट कर दे तो फिर वो रेजोल्यूशन इस कमिटी में पास नहीं होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 1267 कमिटी के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे जो न्यूज है, ईडी सेज नीरव मोदी ओन्स ज्वेलरी इन द यूएस। तो एज सच न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन मेंशनड है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में देख लेते हैं कि ईडी क्या है। तो ईडी इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है बेसिकली दो एक्ट को ये एनफोर्स कराता है। पहला एक्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999 एंड दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002। तो कौन से दो एक्ट हैं जो ईडी एनफोर्स करता है, फेमा 1999 एंड पीएमएलए डेट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। एंड ये ईडी बना कब था, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1956 एज एनफोर्समेंट यूनिट। एंड जो एक्ट था जिसके अंदर ये बना था वो था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1947। इन द ईयर 1957 जो इसका नाम था एनफोर्समेंट यूनिट का नाम बदल करके एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट किया गया। इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्री जरूर ध्यान रखिएगा, ईडी की मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके अभी चेयरमैन कौन है, संजय कुमार मिश्रा। अगर आप लोग वनडे टाइप एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसके वो संजय कुमार मिश्रा है, ठीक है। तो ये हो गया ईडी के बारे में, इसकी मिनिस्ट्री ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। जो इस पेज पे था वो पूरी की पूरी पॉलिटिकल न्यूज़ थी, हम इसको स्किप कर सकते हैं। पेज नंबर 12 में भी वर्ल्ड से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आई थी आज। इसके बाद आ जाते हैं बिजनेस पेज पे। बिजनेस पेज में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है
वो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ स्लोज टू 1.7%। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो 1.7% पे आ गया है एंड जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 2.57% पे बढ़ गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड रिटेल इन्फ्लेशन किससे मेजर करते हैं, ध्यान रखिएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। रिटेल इन्फ्लेशन इज मेजर्ड इन इंडिया बाय यूजिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है। तो ये एक इंडेक्स है विच डिटेल्स आउट द ग्रोथ ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन इकोनॉमी सच एज माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि एक इंडेक्स है जो हमें बताता है कि अलग अलग सेक्टर्स जैसे माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोल, क्रूड ऑयल, इनमें कितनी ग्रोथ हो रही है इंडिया के अंदर। ठीक है, इसको पब्लिश कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा इट इज पब्लिश्ड मंथली बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO इसको पब्लिश करता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को। ठीक है, एंड इसका जो मैक्सिमम वेटेज है दैट इज 40.27%, वो 8 कोर इंडस्ट्रीज कवर करती हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा 8 कोर इंडस्ट्री कंप्राइजेस 40.27% ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं हम लोग। 8 कोर इंडस्ट्रीज आर कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 8 कोर इंडस्ट्रीज को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज जिनका वेटेज जो है वो 40.27% है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में। बाकी उसका डेटा एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है क्या ये ध्यान रखिएगा। इसको पब्लिश कौन करता है, इसको पब्लिश करता है CFO, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एक न्यूज जो है वो लेंडर्स फोरम क्लेम्स फर्स्ट राइट टू टैक्स रिफंड्स ऑफ आरकॉम। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है कि रिलायंस कम्युनिकेशन को जो लोन दिया गया था वो SBI या और बहुत सारे बैंक्स के द्वारा, उन्होंने ये कहा है कि जो भी पैसा रिजॉल्व होके आता है या जो भी पैसा रिकवर होगा उस पर उनका पहला हक है। ठीक है, तो ये कहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को जो न्यूज याद रखनी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, वो है NCLAT, डेट इज नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल। उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ये कब बना था, ये बना था 2016 में, इट वॉज फॉर्मड अंडर सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा किस एक्ट के अंदर बना था, NCLT एक्ट, ये सॉरी सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो उसके अंदर बना था नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल। एंड ये किस किस की अपील से सुनता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल किस किस के खिलाफ जो अपील्स होती है वो सुनता है। तो सबसे पहले इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, दूसरा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, तीसरा है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड चौथा है NCLT, डेट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो चार के खिलाफ अगर कोई भी अपील करनी है तो आप नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल में करेंगे। वो चार बॉडीज कौन सी हैं, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एंड नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे NCLT के बारे में। इसके बाद यहाँ पे एक न्यूज है, कैपिटलिज्म अंडर अटैक फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो GS पेपर 1 में जो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म ऐसी सारे टर्म्स लिखे हुए हैं उनको लेकर के हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। तो कैपिटलिज्म इज राइट नाउ अंडर अटैक फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, एंड ऐसा क्यों है, क्योंकि बिकॉज कैपिटलिज्म हैज नॉट बीन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं कर पाया है कैपिटलिज्म। एंड सिंस 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस द पुअर हैव बिकम पुअरर वाइल द मिनिस्कल रिच हु कॉन्स्टिट्यूट अंडर 1% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन हैव बिकम रिचर। तो ऐसा हो रहा है कि कैपिटलिज्म के कारण गरीब जो है वो और ज्यादा गरीब हो रहा है और अमीर जो है वो और ज्यादा अमीर हो रहा है। ठीक है, तो ये कैपिटलिज्म के साथ प्रॉब्लम है, ऐसा मानना है रघुराम राजन जी का, जो फॉर्मर RBI गवर्नर है। एंड रिसेंटली ही हैज बीन कॉन्फर्ड विद यशवंत राव चव्हाण अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इंटीग्रेशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, यशवंत राव चव्हाण अवार्ड किसको मिला है ये भी ध्यान रखिएगा, रघुराम राजन को। और कैपिटलिज्म इज अंडर थ्रेट बिकॉज ऑफ राइजिंग इनइक्वालिटीज, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो है सेंटर डिफर्स बिड डेडलाइन फॉर OALP 2। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के बारे में देखेंगे। गवर्नमेंट ने उसकी जो बिडिंग टाइम है उसको बढ़ा दिया है एक महीने बाय अ मंथ। ठीक है, एक महीने बढ़ा दिया है। हम लोग ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी देख लेते हैं ये क्या है।
ये बेसिकली इट इज एन पॉलिसी विच गिव्स एन ऑप्शन टू अ कंपनी लुकिंग फॉर एक्सप्लोरिंग हाइड्रोकार्बन टू सेलेक्ट द एक्सप्लोरेशन ब्लॉक ऑन इट्स ओन विदाउट वेटिंग फॉर द फॉर्मल बिड राउंड फ्रॉम द गवर्नमेंट. पहले क्या होता था कि अगर आपको एक्सप्लोरेशन के लिए बिड करना है, अगर आप हाइड्रोकार्बन निकालना चाहते हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा जब गवर्नमेंट अपना टेंडर लाएगी, फिर आप बिड करेंगे एंड उसके बाद जो है वो आपको दिया जाएगा. ठीक है, तो ये था न्यू एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के बारे में, NELP के बारे में. लेकिन जब से ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी आई है तो इसमें क्या हुआ है कि आप जाइए, आप देखिए कि आपको कहां पे ऑयल एक्सप्लोर करना है, आप गवर्नमेंट को अपना टेंडर भेजिए. अगर गवर्नमेंट को जस्टिफाइड लगता है कि यस यू हैव मेड अ राइट प्रपोजल, देन दे विल अलॉट टू यू विदाउट वेटिंग फॉर बिडिंग. ठीक है, तो ये है ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के बारे में कि नाउ यू कैन गो फॉर एक्सप्लोरिंग ऑन योर ओन विदाउट वेटिंग फॉर गवर्नमेंट टू अलाउ बिडिंग प्रोसेस. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के बारे में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है स्पोर्ट्स पेजेस में. एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो यहाँ पे है लास्ट पेज पे, हॉट बायोडाइवर्सिटी रिच जोन्स ऑल्सो हॉट स्पॉट्स ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट्स. ठीक है, तो एक स्टडी हुई है जहाँ पे पाया गया है कि ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन स्पीसीज अकर अक्रॉस 84% ऑफ द अर्थ सर्फेस. ठीक है, तो जो अब ह्यूमन का इम्पैक्ट है वो जो बाकी स्पीसीज हैं उस पर 84% पे दिखने लगा है. ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं. ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट द बायोजियोग्राफिक रीजन विद सिग्निफिकेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट इज थ्रेटेंड विद डिस्ट्रक्शन. तो ऐसा कोई भी जोन जहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है लेकिन इट इज फेसिंग डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, तो उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोला जाता है. ठीक है, तो प्रिलिम्स में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. सो इट इज अ बायोजियोग्राफिक रीजन विद सिग्निफिकेंट लेवल्स ऑफ biodiversity that is threatened with destruction. इसी से एक मिलता जुलता टर्म है cool spots, and the cool spots refers to the world's last refuges where high numbers of threatened species still persist. तो cool spots क्या है? ऐसे बायोडाइवर्सिटी के रीजन जहां पे अभी भी बहुत सारी threatened species हैं. ठीक है, तो उनको cool spots बोलते हैं. तो ये ध्यान रखिएगा. तो ये था आज का न्यूज़पेपर का डिस्कशन. आई होप यू ऑल मस्ट हैव लाइक दिस डिस्कशन. थैंक यू एंड प्लीज लविंग अस, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम्स मेड सिंपल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.